जिस लड़की को सब मानते थे मनहूस, आज वो है बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन। देखिए कौन। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री से मिलाने जा रहे हैं जिसने लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अपने दम पर आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस अभिनेत्री को लोग एक जमाने में मनहूस माना करते थे, लेकिन इसके बावजूद इस एक ट्रेस ने हार नहीं मानी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। दरअसल हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट गर्ल विद्या बालन है। 39 साल की उम्र होने के बाद भी वे आज भी काफी आकर्षक दिखाई देती हैं। विद्या को अक्सर साड़ी पहनना पसंद होता है, ऐसे में अपने साड़ी वाले लुक में वो काफी सुंदर दिखाई देती हैं। कहानी, डर्टी पिक्चर, इश्किया और पा जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली विद्या बालन हमेशा अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए जानी जाती हैं। जब वो ऑन स्क्रीन आती हैं तो लोगों की नजरें स्क्रीन पर से हटने का नाम नहीं लेती हैं। साउथ की फिल्मों में मिला था मनहूस अभिनेत्री का टाइटल। आपको जान हैरानी होगी कि जब विद्या अपने करियर की शुरुआत में साउथ की फिल्मों में काम करने लगी थी तो वहाँ एक मनहूस एक्ट्रेस के नाम पर बदनाम हो गई थी। दरअसल वो जिस मलयालम फिल्म में काम कर रही थी वो किसी कारण बंद हो गई। ऐसे में फिल्म मेकर्स ने इसके लिए विद्या को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें मनहूस बताया। अपनी मेहनत के दम पर छुआ आसमान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विद्या ने अपने करियर में काफी उतार चढ़ावों का सामना किया है। मसलन साउथ की फिल्मों में मनहूस एक्ट्रेस का टाइटल मिलने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्ट्रगल करती रही। बाद में है बेबी और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्मों में विद्या के बढ़ते वजन और पहनावे का जमकर मजाक उड़ाया गया। ऐसे में इस बात से तंग आकर उन्होंने एक बार तो ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने तक का सोच लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने मन बदला और अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ती गई। विद्या ने अपने करियर की शुरुआत में परिणीता और मुन्ना भाई जैसी फिल्में की थी। इन दोनों ही फिल्में में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई थी। नहीं पसंद डांस करना। डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने भले ही शानदार आइटम नंबर दिया हो, लेकिन उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ फिल्मों की जरूरत के हिसाब से मजबूरी में डांस कर लेती हैं। विद्या बालन ने 14 दिसंबर 2012 को सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई थी। सिद्धार्थ फिल्मों में बतौर निर्माता काम करते हैं और यूटीवी मोशन पिक्चर्स भी उन्हीं का है। विद्या के बारे में एक और खास बात ये है कि वो हमेशा देशी गर्ल रही हैं। करोड़ों रुपए होने के बाद भी उन्हें विदेशी से ज्यादा देसी चीजें पसंद आती हैं। शायद यही वजह है कि वो हमेशा देसी अंदाज और लुक में नजर आती हैं।